हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी चैन स्टिच बनाना और स्टेम स्टिच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं स्टेम स्टिच बनाऊंगी। देखिए, इसको हमेशा जब भी स्टार्ट करें आप तो नीचे की साइड से स्टार्ट करना, उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। ऐसे अब इसके यहाँ हाफ से, मिडिल से, यहाँ से लेते हैं। अब इसमें से, बीच में से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये थ्रेड जो है मेरा सिल्क थ्रेड है। आप इसको किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं, कोई सा भी थ्रेड यूज कर सकते हैं। और ये पैटर्न स्टेम स्टिच है, कोई से भी पैटर्न पर बना सकते हैं, पर मुझे ये पैटर्न अच्छा लगा, मैंने अपने कमीज पर भी बनाया है। ये शॉर्ट पर इसमें फ्लावर हैं, इस तरह के फ्लावर हैं, बहुत पास पास लेकर पूरे शॉर्ट पर इस तरह मैंने बना रखे हैं। आप भी बना सकते हैं इसी तरह। अब हम ये बनाएंगे चेन स्टिच। अब चेन स्टिच स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगी। जो भी स्टार्टिंग से सीखना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरे नई आने वाली वीडियो को देखता रहे। इससे काफ़ी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर हैं, वो अच्छा वर्क सीख सकते हैं। कि यहाँ पर इसे वापस इसी में डालते हैं, यहाँ से इतनी दूरी पर इस तरह, और फिर वापस इसी में से, उसी होल में से इस तरह इसको ऐसे कर लेते हैं इसके नीचे। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट करना है। किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं इसको और बहुत इजी है और अच्छा लगता है। ये बेसिक स्टिच है। इससे हम इजीली बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन हो, कोई भी पैटर्न हो, इसी पर बना सकते हैं। इसी तरह पूरा कंप्लीट कर दूंगी। इसको नीचे ऐसे,
इसी तरह। बहुत इजी है, बना सकते हैं आप इसको इजीली। मेरा जो थ्रेड है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कौन सा है। सिल्क थ्रेड है ये, आप चाहें तो वो ही थ्रेड ले सकते हैं या आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। देखिए हो गया ये कंप्लीट। इसी में आप बीच में या तो मिरर भी लगा सकते हैं या स्टोन लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको नीडल के हेल्प से लगा सकते हैं यहीं पर मैचिंग थ्रेड लेकर। और मैंने जो इसमें ये थ्रेड यूज़ किया है वो मेरा ये थ्रेड है, ये कोन वाला सिल्क थ्रेड है, ये मल्टी शेड में इससे बनाया है मैंने ये। आप भी बना सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।